दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के मिश्रा आपका इस नए यूट्यूब चैनल एवियन ट्रीटमेंट पे स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसे लोग एवियन के नाम से जानते हैं, यानी कि एवास्कुलर नेक्रोसिस, और काफ़ी नाम ही इसका बहुत बड़ा है तो बीमारी तो काफ़ी बड़ी होती ही है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं कि ये कूल्हों की बीमारी है, हिप जॉइंट, और इसमें क्या होता है, आपके जो वैस्कुलर वॉल होते हैं वो कट जाते हैं, उसमें दरारें आ जाती हैं, उसके पार्ट्स गलने लगते हैं, ठीक है ना। और मान के चलना कि सारी समस्याएं जो भी आती हैं, प्रॉब्लम जो भी आती हैं, ये केवल जो है आपके वॉल्स जो होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई के रुक जाने से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे मेन फंडा इसका ये होता है कि काफ़ी दर्दनाक समस्या होती है, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है चलने में, उठने में, बैठने में, ठीक है। तो मतलब जो है काफ़ी जो लोग बेचारे परेशान हैं उनका जीवन काफ़ी जो है दयनीय हो जाता है, बहुत ही मतलब दर्द उनको सहने पड़ते हैं अपने जीवन में, और उनकी सारी दिनचर्या का जो कार्य होता है वो बंद हो जाता है, कर नहीं पाते हैं, बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। हालांकि ईश्वर करे कि किसी को ये बीमारी ना हो फिलहाल में, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, अगर इसके कारण पे विचार किया जाए, रीज़न पे विचार किया जाए कि ये होता क्यों है, अब डॉक्टरों का कहना ये है कि ये वाइन पीने से, पेन किलर लेने से, स्टेराइड्स लेने से, फ्रैक्चर होने से, या तमाम तरह के और भी रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण से ये एवियन नाम की बीमारी जो है लोगों को होती है। तो अब देखिए दोस्तों, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ ये कहूँगा कि मान लीजिए लोग वाइन पीते हैं या स्टेराइड खाते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या डिस्टर्ब होता है जिसके कारण से एवियन की बीमारी लोगों को लग जाती है। अब देखिए दोस्तों, अगर इस पर विचार किया जाए तो हमारे ब्लड में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिका, फ्लोरस्पार, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, नेट्रम फास्फेट, यानी कि इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे ब्लड में ये पाए जाते हैं। अगर किसी की बॉडी में जो इन एलिमेंट्स का ब्लड में बैलेंस होता है, अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस्ड हुआ, कम हुआ, तो फिर आपके शरीर में तकलीफ़ चालू हो जाती है, ठीक है, वो समस्या कोई भी हो फिर आपको बननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपकी बॉडी में आयरन कम हो गया तो सूजन आ जाएगी, दर्द होना चालू हो जाएगा, वो मतलब जो है जो आपका स्थान है लाल हो जाएगा, स्वेलिंग होगा, बहुत दर्द होगा, छूने से दर्द होगा, इस तरह अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं सबका अलग अलग सिम्पटम होता है। हालांकि दोस्तों, जो एवियन नाम की जो बीमारी होती है, मैंने इसमें देखा है कि ये जो है कूल्हों के जोड़ की बीमारी होती है, हिप जॉइंट्स, और मोस्टली जो है लगभग सारे केसों में मैंने देखा है कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिका, फ्लोर स्पार, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये एलिमेंट जो है काफ़ी मात्रा में कम हो जाते हैं, और जिसके कारण से हमारी हड्डियाँ गलनी चालू हो जाती हैं और हमारी ब्लड सप्लाई भी रुक जाती है वॉल्स की। और जिस दवा में ये एलिमेंट्स अगर रहेंगे, ठीक है, और अगर ये एलिमेंट्स फिर से हमारी बॉडी में रिफिल कर दिया जाए तो फिर ये एवियन ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मान के चलना कि बढ़िया आराम मिलेगा, परमानेंट के लिए आराम मिलेगा, और शायद तकलीफ जो है परमानेंट के लिए दूर हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, हमारी चिकित्सा काल में बहुत सारे लोग आए और ठीक भी हुए, लेकिन अब ये है कि कुछ लोग मेरे पास एवियन के नाम से भी आए, और जिन पर हमने सर्च किया और देखा, और उन लोगों पर मैंने सर्च करके जो भी एलिमेंट्स उनकी बॉडी में कम थे मैंने उसको भरना स्टार्ट किया, और वो लोग रिकवर हुए और बहुत अच्छा उनको आराम भी हुआ,
और ये मान के आप चलना कि फोर्थ ग्रेड वाले भी काफ़ी रिलीफ हो गया। हालांकि इस बीमारी में 6 महीने कम से कम लगते हैं, लेकिन मान के चलना कि बहुत बढ़िया से आराम होता है, लोग ठीक हो जाते हैं। और फिलहाल में दोस्तों, मैं अगली वीडियो में जो लोग एवियन की बीमारी से रिकवर हुए हैं, मैं उनके साथ आऊँगा और आपको दिखाऊँगा, और उनमें उनकी जो है एक्सरे रिपोर्ट भी आपको दिखाऊँगा कि पहले उनकी रिपोर्ट क्या थी और अब की रिपोर्ट क्या है। पहले वो चल नहीं पाते थे, अब वो बिल्कुल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो वाल्स कट गए थे वो फिर से रिफिल हो गए हैं, पूरा भर गए हैं, मान के चलना अब उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं है। हालांकि जो लोग एवियन के नाम से आए थे वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, उनकी लिम्पिंग ख़त्म हो गया, दर्द ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से आपको हम मिलाएंगे फ़िलहाल में। और दोस्तों, ये लाइलाज नहीं है, और बहुत सारे लोग जो है THR से बच जाएंगे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट से बच जाएंगे, और उनको जो है अपने वाल को चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो प्राकृतिक तरीके से ठीक होना चाहते हैं। बाकी दोस्तों ठीक है, अपना अपना सबका इलाज है, अच्छी बात है जैसा भी है, लेकिन ये है कि ये बीमारी ठीक होती है और बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, और मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा जो ठीक हुए हैं, ठीक है ना। और दोस्तों, आप संपर्क कर सकते हैं फ़िलहाल में, और मैं आपके साथ हूँ, और निश्चित ही आपका एवियन ठीक होगा, परमानेंट के लिए ठीक होगा, और ज़िंदगी भर के लिए ठीक होगा, और दोबारा कभी आपको तकलीफ़ नहीं होने वाली है। और जैसा होगा दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा उन लोगों के साथ जो एवियन नाम की बीमारी से ठीक हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स के साथ। और दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों मैं आपके लिए नई नई जानकारियाँ एवियन के बारे में, एवियन से छुटकारा पाने के बारे में लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।